डिलीवरी वाले भैया? हाँ जी हाँ, तो ये सामने कहाँ पे हैं आप? अच्छा, तो उसके सामने देखिए, यही सामने वाला घर है। हाँ तो आ जाइए, मैं तो रूम ही पे हूँ। ठीक है, टाइम लगेगा क्या अभी? ओके ठीक है, आइए। इसको बता दिया है सामने वाला घर है, फिर भी नहीं आ रहा है। कितना टाइम लगा दिया, फोन करेगा तो यार। कौन जी? मैडम डिलीवरी वाले। ओ आगे क्या, एक मिनट आ रहे हैं। आगे भी जी लाइए, बैठ जाइए, पानी वानी पी लीजिए, बैठिए। नहीं नहीं मैडम, मैंने लीजिए। अरे पी लीजिए, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, बैठिए। अच्छा मैडम जी, काफ़ी टाइम लगा दिया आपने। नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है ना कि बहुत कई घर होते हैं, सबको जाना होता है, सबको एक तरफ से बारी बारी। ये लीजिए पानी, पी लीजिए। जी मैडम बैठिए। जी मैडम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई घर होने में? नहीं हुई। ओके अभी और कहीं जाएंगे क्या? हाँ मैडम, अभी जाना है, कई जगह जाना है। और सर में बहुत खुजली हो रही है। क्या हुआ मैडम? पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ। नीड्स तो नहीं है? पता नहीं, अब कोई घर पे है भी नहीं, किसको दिखाऊं मैं? मैडम मैं देख लूंगी। अब कहते हैं देखना? क्यों मैडम, उसमें देखने में क्या होता है? लेकिन ऐसे कैसे मैं? अरे कोई बात नहीं मैडम, मैं देख सकता हूँ। मैं पहले इस पर भी काम करता था, तो मैं सभी ये सब चीज़ें मुझे आती हैं, तो मैं देख सकता हूँ। और अगर वैसी कोई दिक्कत है तो मैं आपको इसके लिए एक दवा भी आती है, मैं बता दूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, देख देखो जरा क्या हो गया, बहुत खुजली होती रात को। दिखाइए मैडम, बाल खोल के दिखिए। वाओ मैडम, आपके हेयर्स तो काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी थिन है, वो हैवी और थिक है, बहुत थिक है हेयर आपके। बहुत खुजली हो रही है यार। वाओ मैडम, ओ माय गॉड, इतनी लॉन्ग हेयर, क्या पहली बार देखे हैं क्या? यस मैडम, वाओ वेरी लॉन्ग हेयर मैडम। लॉन्ग हेयर देख के फिसल गए हो क्या? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं मैडम, आप कैसी बात करती हैं मैडम। बस ये तो है मैडम कि मुझे आपके लॉन्ग हेयर देख के बहुत अच्छा लगा, मुझे लॉन्ग हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। पहली बार देखे हैं ना, तभी इतने पसंद? नहीं नहीं मैडम, आपको पहली बार देखा है लॉन्ग हेयर में। ओ सॉरी मैडम, मतलब कि मेरे कहने का है कि आपके लॉन्ग हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके देखता हूँ मैडम, बहुत खुजली होती है। लीज है मैम आपके? हाँ। ओ गॉड, अब लीज है तो इसका मतलब है कि निट्स भी होंगे आपके। कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं मैडम, मैं दवा बता दूंगा आपको, एक हेयर ऑयल भी आता है और एक शैम्पू भी आता है, मैं आपको बता दूंगा, उससे आप धुला करिएगा, आपके ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो साफ रखती हूँ सर, फिर भी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान हो। ये खून भी पीते हैं क्या? आपका ब्लड तो काटते बहुत है। हाँ तब तो बहुत ज्यादा, कभी कभी ऐसा लगता है चींटी ने काट लिया। घर पे कोई है भी नहीं। अच्छा मैडम, घर पे भी कोई नहीं है? नहीं। तो
तब तो फिर मैं अनजान हूँ, आप घर पे मुझे बुला के, आपको डर नहीं लगा? आप ऐसे लगे नहीं ना। थैंक यू मैडम भरोसा करने के लिए। भरोसा किया तभी तो मैंने आपको बिठाया, पानी दिया। जी मैडम। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा हो गए। तुम तो बहुत अच्छे से देख लेते हो। जी मैडम, मैं बता रहा था ना आपसे, मैं इस पर काम कर चुका हूँ। जब तुम्हारे पास खाली टाइम हुआ करे तो आ जाया करो अपना, और मैं उसके अलग से पैसे दे दूंगी। जी मैडम। ठीक है, ओके मैडम। ये तो कभी भी किसी को भी हो जाते हैं, नहीं? हाँ, कभी कभी एक दूसरे के पीछे किसी को है और उसके साथ इसके लेट रहे हैं तो उससे भी कभी कभी हो जाते हैं। पर मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे कैसे हो गए? कभी कभी थोड़ा हेयर्स अगर गंदे रखो तो भी हो जाते हैं। मैं तो साफ रखती हूँ। कभी कभी इसी तरह किसी के संपर्क में आने से हो जाते हैं, कभी कभी ऑटोमेटिकली भी हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें वो लगा लीजिए अगर कुछ चीज़ें तो वो भी सही नहीं होती, तो उसकी वजह से भी कभी कभी हो सकते हैं। हाँ, तभी हो गए होंगे मुझे। यहाँ पे जी। हाँ, यहाँ पे नेट से है क्या? नहीं, लीज अभी तक मिली नहीं। एक नेट मिला था केवल, अभी आपको दिया ही था। लिस भी काफ़ी है आपको। अब यही लिस जब थोड़े दिनों बाद बच्चे दे देंगे तो नेट्स फ्री हो जाएंगे। हाँ, तब तो मेरा सर खा जाएंगे पूरा। अभी तुम ना आते तो मैं किसको दिखाती? थैंक यू सो मच। पीछे बंदी यहाँ पे कान में ना चले जाए। नहीं नहीं, यहाँ पे गुजरी हो रही है। ये नेट। ओह माय गॉड, कितना बड़ा है।
काफी रिलैक्स मिला है सर में जी मैडम। जब भी फ्री हो ना आ जाना। ओके अभी और कहीं जाओगे? जी मैडम अभी बहुत सारी डिलीवरी करनी है। तो तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं। थोड़ा सा मसाज भी कर दूंगा मैडम। हाँ हाँ कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मैं तुम्हारा चार्ज दे दूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं मैडम, जब अगली बार आऊँ तो आप जरूर देना। अब ये आप आज आप मेरे आपके लिए मेरा डेमो था ये, पर मेरी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं मैडम, मेरा एक कस्टमर भी तो बन गया। हाँ वो तो, अब जब भी कुछ मंगाना होगा। मैडम आपके लॉन्ग हेयर बहुत अच्छे हैं, आप ही से मंगाऊंगी। मैम कॉम दीजिए। कॉम करेंगे क्या? बहुत उलझे हुए हैं, थोड़ा सा कॉम कर दो। ये लीजिए, ये लीजिए। ओ आराम से। सॉरी मैम। मैम मैं हेयर स्टाइलिंग स्टाइलिंग भी अलग अलग से कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आना करना, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया होगा ना आपको। यस मैम। नहीं मैम आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगी, आपको फ़ोन कर दिया करूँगी जब भी मुझे कहीं जाना होगा, अगर टाइम हो तो आ जाना। चोटी कर दी? कर दीजिए। क्लेचर दीजिए। ये दीजिए।
काफी थिक हेयर है आपके, बहुत थिक बनी है ब्रेड। क्या कर रहे हो, मार रहे हो मुझे? नहीं मैम, ये क्लेचर लग रहा है। ओके मैडम, चलता हूँ। ठीक है मैडम, आपको जब भी टाइम मिले, आप जब भी जो भी करवाना हो, ठीक है, मैं कॉल कर दूँगी आपको। नंबर तो वही होगा ना? ओके ओके मैडम, ठीक है, नंबर वही होगा। हाँ मैडम, ठीक है, ठीक है, चलते हैं मैडम। ओके बाय बाय बाय। गेट खुला रहने देना, बंद कर लेंगे बाद में। वाओ, चोटी भी अच्छी थी और मेरे सर में इतनी रिलैक्स फील हो रही है। कितनी अच्छी मसाज करता है और नेट पिकिंग भी निकाल दी, बहुत अच्छा लग रहा है। सर ऐसा लग रहा है बिल्कुल हल्का हो गया है। अब मैं ऐसा करूँगी, हर संडे को इसको बुला लिया करूँगी और मैं चार्ज दे दिया करूँगी, और वो भी शायद वो आना चाहेगा क्योंकि वो तो अभी कह रहा था। मैं ऐसा करूँगी, उसको बुला लूंगी क्योंकि सर बहुत अच्छे से मसाज कर देता है। और जो सर में खुजली हो रही थी, बहुत आराम मिल गई। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नीटपिकिंग है ही नहीं, इतना रिलैक्स मिल गया है मुझे। अब आराम से आज मैं सो पाऊंगी, वरना रोज खुजली कर करके पता नहीं इतना ज्यादा खुजली हो रही थी। अब काफी हल्का हो गया मेरा सर, अब मैं सो जाती हूँ और काफी रिलैक्स हो गया है। मैं सो जाऊंगी आराम से। हाय रब्बा, सो हे एवरीवन, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, एंड जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।